आएंगे, तब से श्री कामदेव प्रभु के चरण में लोग ओट उठाने लग गए, बोले प्रभु मुझे भी अपना चरण की एक दासी बना दो, मेरे को भी एक दासी बना दो। फिर भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन, बोले श्री मदन मोहन लाल की जय। इसलिए कहते यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान ये काम विजय लीला, ये काम में उन्होंने मुक्त नहीं हुआ बल्कि काम को उन्होंने परास्त किया है, परास्त किया। मतलब ये सिद्धांत वर्ग इसको स्थापन करते हैं कि रास लीला कोई साधारण लीला नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायानुपाश्रिता। कहते इन्होंने ये जो लीला की है, भगवान की दो माया है, एक योग माया और एक महामाया, दो माया। लेकिन उन्होंने ये जो रास लीला की, कहते किसको आश्रय करते हुए, बोले योग माया, महामाया को नहीं, योग माया को। क्योंकि यहाँ मूल योग माया कौन है, बोले श्री राधा रानी, राधा रानी। क्योंकि जो रास लीला होती है वहां पर दिखाया वृंदावन में राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई रहती है, क्योंकि श्री राधा रानी राशेश्वरी, श्री राधा रानी, राधा रानी राशेश्वरी। इसलिए कृष्ण सखियों को साथ में जाकर के राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधे रास प्रारंभ होने जा रही है, आप कृपया रास में पधारो। क्योंकि जो राशेश्वरी वो कृष्ण राशेश्वर नहीं, राशेश्वरी श्री राधा रानी, इसलिए जब रास हो रही थी वहाँ सतकर्ण गोपियाँ थी, कृष्ण थे, लेकिन जब चंद्रावली पद्मा सभ्या ये सब के सब थी, लेकिन जब वहाँ से श्री राधा रानी चली जाती रास टूट गई, कृष्ण वहाँ पर थे लेकिन रास असंभव हो गया, रास संभव नहीं, रास टूट गया। इसका मतलब है कहते राशेश्वरी कौन है, रास की मूल अधिष्ठात्री देवी कहते श्री राधा रानी, इनके बगैर रास असंभव है। इसलिए रास प्रारंभ करने से पहले योग माया उपाश्रिता, उन्होंने श्री योग माया मूल रूप में योग माया श्री राधा रानी ने आश्रय लिया। और योग माया मतलब योग माया मतलब ये लीला दिव्य लीला है, इनको आश्रय करते हुए उन्होंने रास की। बोले जो पहला जो शब्द है बोले भगवान अपि, यहाँ पर कह रहे हैं वो भगवान होते हुए भी है, बोले भगवान किसको कहते हैं, बोले जिनका अंदर में छह ऐश्वर्य जो परिपूर्ण रूप में हो, समग्र ऐश्वर्य जस्य वीर्यस्य जसस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भव इति मनः। मतलब ये छह गुण जिनके अंदर में परिपूर्ण रूप में हो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान आत्मा राम और अप्त काम होते हुए भी है, मतलब संपूर्ण इच्छा में आनंद में जो परिपूर्ण है ये कृष्ण है, लेकिन ये परिपूर्ण होते हुए भी उन्होंने ये रास उन्होंने करने के लिए कहे है, होते हुए भी वो रास करने के लिए जाते हैं। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है बोले रासों में इतने आनंद है, इतने आनंद रास में। इसलिए बोले मनश्चक्रे, ये संस्कृत शब्द है, कहते एक आत्मनिपद और एक परस्मनिपद। बोले आत्मनिपद मतलब जो अपना लिए कोई काम करते हैं, परस्मनिपद मतलब होता है संस्कृत में जब कोई दूसरे के लिए जब करते हैं। इसलिए कहते हैं जो आत्मनिपद ये मनश्चक्र, इसका मतलब है कृष्ण के दूसरे दूसरे जितने लीला है, पुतनाग मारना, अकासुर मारना, बकासुर मारना और श्री कालिया दमन करना, ये किसके लिए किए है, मतलब दूसरे के लिए किए ये लीला दूसरे के लिए, लेकिन जो रास लीला उन्होंने की है ना वो दूसरे के लिए नहीं है, केवल रास लीला ही ऐसे लीला है जो कृष्ण अपना आनंद लिए कर रहे हैं, अपना सुख के लिए लीला उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने मनश्चक्रे मतलब अपना लिए ही ये लीला उन्होंने की है, स्वयं रस आस्वादन करने के लिए, आनंद लेने के लिए ये रास लीला की है। कहते तार रात्रि, जो ता है ये बहुवचन है, बोले तारात्रि
इसका तीन चार अर्थ उन्होंने किया है। पहला एक अर्थ किया जब उन्होंने वृंदावन का स्वभाव को दर्शन किया, कृष्ण वृंदावन की जो शोभा दर्शन, कैसे वृंदावन की शोभा, जहाँ पर सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से जहाँ बह रही सुंदर रूप, एक साथ में जूही बेली चमेली केतकी का जो दूसरे दूसरे जो ऋतुओं का जो फूल है, हर ऋतु में एक एक ऋतु का फूल खुलता है, लेकिन जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे उन्होंने देखा एक साथ में सारे ऋतु एक साथ में प्रकट हुए, बैसाख ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत, कभी छह ऋतु उन्होंने छह ऋतु सबके सब एक साथ में छह ऋतु प्रकट हो गए, बोले कृष्ण की सेवा करने के सारे ऋतु प्रकट हुए और उसमें सारे ऋतुओं का जो फूल है वो सबके सब फूल खिल गया, जो फूल दिन में खिलता वो भी रात में खिल गया और जो रात में खिलता वो रात में खिलता ही, इसलिए सारे फूल सारे उद्दीपना वहां पर रासलीला की सारे उद्दीपना, इसलिए भगवान ये सौभाग्य दर्शन किया, ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ है बोले ता रात्रि, ता मतलब जब कृष्ण वस्त्र हरण किए थे, कृष्ण जब वस्त्र हरण किए और गोपियों को बोले तुम अपना अपना वस्त्र लेकर के जाओ, गोपियों ने सारे लाज लज्जा सब कुछ त्याग देकर के उन लोगों ने कृष्ण के चरण में हाथ जोड़ करके कृष्ण को प्रणाम किया, मतलब कृष्ण के चरण में उनके शरण ली होगी, इसलिए स्त्रियों का जो मूल वस्तु है कहते उनका लज्जा ही भूषण है, लेकिन उन लोगों ने कृष्ण चरण में लाज लज्जा सब कुछ कृष्ण चरण में उन्होंने त्याग ले दिया, त्याग दे दिया तो कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले शरद पूर्णिमा में तुम सबके सब आना वहीं पर रात्रि, मतलब वह रात्रि को स्मरण करते हैं। उसका जो तीसरा जो अर्थ बताए उन्होंने लता रात्रि, मतलब कहते रास कब संभव है, जब कृष्ण पूर्ण किशोर अवस्था में हो, जब गोपियां किशोरी अवस्था है तभी ये रास संभव, उसको पहले ये रास संभव नहीं, इसलिए उन्होंने जब देखा कृष्ण एकदम पूर्ण किशोर अवस्था है और गोपियां पूर्ण किशोरी अवस्था गोपियां है, जब उन्हें किशोरी अवस्था पूर्ण स्वरूप को दर्शन की, इसलिए बोले भगवान अभी तारात्रि, बोले अभी ये रास संभव है, ये रास को हम कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्होंने उस सब चीज को देख करके तारात्रि शरद फूल शरद तो मनचक्र जो माया उपासिता, श्री राधा रानी के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण करते हुए उन्होंने ये रास को उन्होंने प्रारंभ की, जो प्रारंभ की इतने में कृष्ण सो रहे थे, रात को सो रहे थे और उन्हें खिड़की जब उन्होंने खोला, खिड़की खोल करके वो रात्रि कौन था, वो रात्रि था पूर्णिमा का रात्रि, पूर्णिमा का रात्रि पूर्ण चंद्र प्रकट हो गए, जब पूर्ण चंद्र प्रकट हुए थे, अब देखना जब चंद्रमा प्रकट होता है ना, पहले उसका चारों तरफ लाल वर्ण हो जाता है, लाल वर्ण हो जाता है, लेकिन उन्होंने दर्शन किया तो चंद्रमा को, लेकिन उनकी जो उद्दीपना हुई राधा रानी के मुख चंद्र, राधा रानी के मुख चंद्र को उन्होंने उद्दीपना हुई और उन्होंने चंद्रमा को देख राधा रानी के स्मरण आई और उन्होंने देखा, उन्होंने उदाहरण दिया है जो पूर्व दिशा है ये इंद्र की पत्नी है, कभी ये इंद्र की पत्नी और जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जैसे उदाहरण दिया, जैसे अगर पति अगर कहीं दूर देश में जाता है, बड़े दिनों को बाद में अगर पति आए, पत्नी बड़ी दुखी रहती है बड़े दिनों को बाद में ये आए घर में, तो पति क्या करता है, गुलाल लेकर के अपना पत्नी को मुंह में, गुलाल को लेकर के पत्नी को मुंह में लगा देता है गुलाल से, इसलिए उन्होंने देखा जो पूर्व दिशा है, कहते ये इंद्र का पत्नी और ये चंद्रमा, उन्होंने क्या किया, इंद्र की पत्नी को मुंह में जैसे संपूर्ण गुलाल, उन्होंने उसको मुंह में गुलाल से विभूषित कर दिया, तब कृष्ण सोच रहे हैं चंद्रमा
होकर के जब दूसरे स्त्री की मुंह को ऊपर में उन्होंने पूरा गुलाल से लगा दिए, मैं कौन सा वंश में आया हूँ, चंद्रवंश में, मैं चंद्रवंश में आया हूँ। जब मैं चंद्रवंश में आया हूँ, कहते ना जब जब आतर श्रेष्ठा तब तब इतर जनासा जब प्रमाण पुरुष अनुबंध। इसका मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो काम को करते हैं, पीछे आने वाले व्यक्ति छोटे व्यक्ति वो चीज को देख करके सीखते हैं, वो चीज को देख कर सीखते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे मैंने चंद्रवंश में, ये चंद्रमा चंद्रवंश में आया। चंद्र जब दूसरे पत्नी के मुंह में गुलाल लगा सकता है, भैया फिर में इन गोपियों के साथ में फिर क्यों रास नहीं कर सकता है, इसलिए इनको साथ में मैं रास कर सकता हूँ। इसलिए इनके मन में ये उद्दीपना हुई, इनके मन में जब उद्दीपना हुई, इतने में कृष्ण श्री बंसी भट्ट को नीचे आए और बंसी भट्ट को नीचे में आकर के कहते जगो कलो बाप मदरसा मन हरा। फिर तो उन्होंने बंसी से क्लीन शब्द उन्होंने उच्चारण किया, एक क्लीन शब्द। अब देखिएगा सारे मंत्र से पहले हम कहते हैं क्लीन कृष्णा है गोविंदा क्लीन है क्लीन 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 में पांच अक्षर है क ल ई चंद्र और बिंदु। कहते क मतलब कृष्णा, ल राधा रानी, चंद्र इनका मिलन है, ई इनके मिलन, चंद्र और बिंदु जब इनकी मिलन में जो आनंद आता है, इसलिए उन्होंने बंसुरी से उन्होंने क्लीन शब्द उच्चारण किया। लेकिन क्लीन शब्द ऐसे कि दिव्य शब्द है, क्लीन अक्षर। वो राधा रानी सुन रही थी बंसुरी से, केवल राधा ही राधे आवाज आ रही। ललिता सुन रही थी, केवल ललिता ललिता आवाज आ रही। विशाखा सुन रही थी, केवल बंसुरी से केवल विशाखा 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 आवाज आ रही। सब सखियां सुन रही थी बंसुरी केवल हमारे नाम को लेते थे, केवल हमारा नाम को लेते थे। इतने में कृष्ण जब बंसी भरी थी तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, कहते हैं अब देखिएगा कृष्ण कौन है, बोले चोर का सरदार है। कहते ना अनेक जन्म चित्त पाप चौरव चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। कृष्ण सबके चौरव है, चोर में सबसे बड़े चोर है। चित्त को चुराते, मन को चुराते, पाप को चुराते, वस्त्र को चुराते, इसलिए कृष्ण चौराग्र गण्यम। चोर का जो सरदार होता है देखना, वो स्वयं चोरी करने नहीं जाता है, अपना चेले चापट को भेज देता है। वो तो एक जगह पर बैठता है, बोले सारे माल लाओ और मेरे को दो। इसलिए कृष्ण बड़े चोर है। इसलिए उन्होंने बंसी ध्वनि जब की, बंसी ध्वनि नहीं कृष्ण का चेले बोले जाओ जा करके सारे जहाँ पर बढ़िया संपत्ति होगा ना, सारे संपत्ति को लूट लाट करके लाओ और मेरे को दो। बस इतने में जब उन्होंने बंसी ध्वनि की, ये बंसी ध्वनि विश्व ब्रह्मांड को भेद किया उन्होंने बंसी ध्वनि। लेकिन सारा दुनिया में ढूंढ रहे धन कहाँ है, धन कहाँ है, लेकिन भूर भुवा मोह जन तप सत्य और लोग उन्होंने पार किया, लेकिन यहाँ पर सही धन नहीं है, ये कामना वासना रूपी धन है। फिर उन्होंने पहुंचे वैकुंठ में, बोले ये धन तो श्रेष्ठ है लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। फिर उन्होंने गए अयोध्या में, फिर द्वारका में, फिर जब उन्होंने वृंदावन में गए, वृंदावन में ढूंढ रहे थे कहाँ पर धन, लेकिन ढूंढते ढूंढते देखा ये असली जो धन है ना, ये प्रेम धन है, प्रेम धन ही असली धन है। कहते वो धन कहाँ पर, गोपियों के हृदय में, गोपियों की जो कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, यही धन ही असली धन है। भैया असली धन तो यही छुपा हुआ है, असली धन तो यही पर छुपा हुआ। अगर चोर अगर चोरी करने के लिए जाए लेकिन देखे दरवाजा खुला पड़ा हुआ, बोले बाप अच्छा मौका है, एक तो चोरी करने के लिए आए पर दरवाजा खुला पड़ा हुआ, बोले दरवाजा कौन, बोले कान, ये कान रूपी दरवाजा खुला था। इतने में बंसी ध्वनि ने क्या की, बस कर्णक माध्यम से हृदय में, हृदय में जा करके गोपियों का कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, धैर्य मन प्राण जो धन है, तब उन्होंने वो धन को उन्होंने पकड़े और पकड़ करके लेकर के उन्होंने बस लेकर आप जय।
जब आए, जैसे आपका घर में कोई चोर आए, सारा जिंदगी का जो आपने कष्ट करके जो धन कमाया है, जो धन को सारे कष्ट करके आप कमाया हुआ धन को कोई आए और लेकर के चल पड़े, आप क्या करोगे फिर बताओ? पीछे भागोगे? भैया हमारा जिंदगी का सारे धन लूट गया, सारे धन हमारे लूट गए, सारे धन, फिर आपको पीछे पीछे भागोगे? जब पीछे पीछे भागोगे इतने में मतलब ये बंसी धुनी गई, जा करके गोपियों की मान प्राण धन को लूट करके लेकर के आई, लूट करके लेकर के आई, इतने में बस सबके सब तो चोर को पीछे भागे, भैया आप तो लूट गए, हम तो लूट गए। हाँ, जब लूट गए यहाँ पर कह रहे हैं एक दूसरे गोपियों को क्यों नहीं देख रहे, जब चल रहे थे ना कोई किसी को देख नहीं रहे, बोले क्यों नहीं देख रहे, मेरे कारण आपका सारे धन तो लूट गया, आप तो धन को पीछे भाग रहे हो, भैया सारे धन चली गई, मेरे सारे धन चली गई, इसलिए अब छुपते छुप पीछे भाग रहे थे, इसलिए कोई किसको प्रति ध्यान नहीं दे रही, कोई किसको प्रति वो ध्यान नहीं दे रही थी, सबके सब उसको पीछे भाग रहे थे, जो भाग रहे थे इतने में इसमें कहते ना कोई दो गोदहन कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई कपड़े पहन रही थी, लेकिन बंसी ध्वनि सुन करके उनके अंदर विभ्रम, विभ्रम मतलब गले का हार को कमरे में, कमरे का गर्दन को गले में, है सब जो श्रृंगार थी ना सबके सब सब उल्टा पुल्टा सब श्रृंगार कर लिए, है उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके, तो इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, अभी इतना मेरे को याद नहीं आ रहे, उन्होंने ये बताते हैं इनकी जो त्याग कितने बड़े त्याग है, ये गोपियों की जो त्याग है ना वो साधारण त्याग नहीं है, जैसे घर का काम कर रहे हो, बच्चे को अब दूध पिला रहे, घर के पति की सेवा कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, अब क्या सब कुछ छोड़कर चले जाओ कहीं? नहीं जा सकते, हम सब चीज को छोड़ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन गोपियों ने उन्होंने सारे ममता सारे आसक्ति सारे बंधन को इल्लुमन त्याग किया, इसलिए कृष्ण को पास में गोपियों जब गए, इसलिए कृष्ण कहते हैं गोपियां मैं ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारे ऋणी से मैं कभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दिया है, जो त्याग अद्भुत त्याग है, ऐसे त्याग मेरे लिए कोई दे नहीं सकते, इसलिए इनकी त्याग सर्वश्रेष्ठ ऐसे त्याग है। यहाँ पर बताए उन्होंने बच्चों को दूध पिला रहे थे, स्तन नहीं पिला रहे थे, स्तन नहीं, वो दूध शब्द आया, दूध शब्द का मतलब होता है वो बच्चे अपना बच्चा नहीं है, वो दूसरे के बच्चे थे, वो अपना बच्चा नहीं है, इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि की कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियां नहीं आ सकी, बोले कौन आए और कौन नहीं आए, कौन आए और कौन नहीं आए, बोले जिनकी भाव संपूर्ण पुष्ट भाव था, जिनकी पतियों के साथ में कोई संबंध नहीं था, शरीर का कोई संबंध नहीं था, योग माया ने तो उनको लेकर के आ गई, उनको कोई बाधा विपत्ति नहीं, लेकिन जिनकी शरीर पति के शरीर में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था, कहते वो जो शरीर वो अपवित्र है, वो भगवान की रास में वो नियुक्त नहीं हो सकते रास में, इसलिए योग माया ने उनको लाने, उनको योग माया ने उनको आने में उनको मदद नहीं की, इसलिए पतियों ने बोले खबरदार रात को बीच में कहाँ जा रहे, घर से बाहर जाओगे तो टांग तोड़ूंगा, खबरदार घर से बाहर निकलने, हैं घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन नहीं निकल पाने पर भी, लेकिन जब कृष्ण का रासोत्सव में वो लोग नहीं आ पाए, अंदर से बढ़ा दो, बोले हे प्रभु आपका दिव्य रास रूप उत्सव में क्या हम मिलित नहीं हो सकते, हम कितने दुर्भाग्य, इसलिए हे प्रभु जब उनके हृदय में कृष्ण की विरह उनके हृदय में आई, फिर क्या किया उन लोगों ने, वहीं पर शरीर को त्याग दे दिया, हैं वहीं पर शरीर को त्याग दे करके आत्म शरीर से इस सबके सब रास लीला कर रहा है। तब विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे आम
जैसे आम, जब देखते हैं आम पूरा पुष्ट हो गया, हम क्या करते हैं, आम को तोड़ लेते हैं, तोड़ करके हम किसी गर्मी जगह पर आम को रख लेते हैं। जब गर्मी जगह पर रखते हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है, आम धीरे धीरे पकता है। जो आम पक जाती है ना पहले, हम क्या करते हैं उसका अमोनिया करके तुलसी पत्ता देकर ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, और जैसे पक्का रहता है उसको ले लेकर तुलसी भोग लगाते हैं। कहते तो उसी तरह जो इनकी हृदय में जो कृष्ण का प्रति बिरह आया, वो बिरह में क्या हुई, जो इनके हृदय में जो 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 कमी थी ना, वो कमी धीरे 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 दूर हो गई। कृष्णा बिरह पक गई, जब पक गई फिर जो माया ने उनको ला करके कृष्ण सेवा में नियुक्त कर दिया। इतने में कृष्णा जब जब गोपियां कृष्ण के पास में आती है, कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा। इसलिए कृष्ण हम वहां सुन रहे थे, कृष्ण केवल स्वागत दो जगह पर, ये स्वागत दो व्यक्ति को किया, एक तरी गोपियों और एक स्त्री जो पत्नी को होने की, बोले स्वागतम मे महाभागा। कलि जगत में तुम लोग सबसे ज्यादा सौभाग्यवान हो, तुम्हारे जैसे सौभाग्यवान जगत में कोई नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को स्वागत करता हूँ, तुम लोगों को स्वागत करता हूँ। इसलिए जगत में सबसे बड़े भाग्यवान बताओ, अभी आप लोग क्या करें, क्या करें। इसलिए कृष्ण केवल दो जगह पर स्वागत किए। हाँ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान रास लीला की जय। जय जय श्री राधे नित्य गौर वृंदावन दे, हरि हरि।